एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस मींस यू। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो, आज मैं बात करूंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि दिल्ली में समर स्टार्ट हो गई है। दिल्ली नहीं, आप मतलब इंडिया में अगर आप रहते हैं तो समर स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सबको पता है कि समर अपने साथ लेके आती है दो चीज़, एक तो होता है हीट और सेकेंड होती है वो डल ड्राई टैंड स्किन। हाँ, तो क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, धूप की किरणें इतनी तेज़ होती हैं कि हमारी स्किन जो है वो पूरी टैन हो जाती है गर्मियों में। अगर हम ऑफिस वर्किंग हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो गर्मी की वो तेज़ कड़ाके वाली धूप 40 से पारा अप और हमारी स्किन को कर देता है वो ब्लैक, डल और ड्राई। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसकी स्किन ब्लैक दिखे, डल दिखे, ड्राई दिखे। सो इन टुडेज वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नेचुरल होममेड फेस पैक। हाँ जी, क्योंकि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप कोई भी अपने स्किन पे केमिकल ट्रीटमेंट करवाओ या फिर केमिकल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट यूज़ करो, वो बहुत हार्मफुल होता है और हमारी स्किन होती है जेंटल। तो हमें बेटर होगा कि हम अपने किचन से जो भी हम ट्राई कर सकते हैं वो ट्राई करें। सो, मैं आज तीन इंग्रेडिएंट के साथ आपको एक फेस पैक बताने वाली हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन बॉल। तो मैंने यहाँ पे एक क्लीन बॉल ले लिया है। उसमें आपको ऐड करना है मेन इंग्रेडिएंट बेसन। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन ले रही हूँ। उसके बाद आपको ऐड करना है इसमें टर्मरिक। तो आपको 1 पिंच ऑफ टर्मरिक इसमें ऐड करना है। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि फिर येलो येलो फेस हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। देन इसमें आपको ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क। सो मैंने इंग्रेडिएंट्स अपने तीनों यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं। अब आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अगर आपको ये थोड़ा सा थिकी लगता है पेस्ट, तो आप इसमें वाटर या रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका ज़्यादा थिक नहीं करना है पेस्ट। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं 1 टेबलस्पून यहाँ पे रोज़ वाटर इसमें ऐड कर दूँगी। ध्यान रखिएगा इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल आपको फाइन पेस्ट तैयार करना है। देखिए इस कंसिस्टेंसी में ये ठीक है, आपका दुनिया का सबसे बेस्ट फेस पैक बनके यहाँ पे तैयार है। तो रेडी हो जाइए इस बार सन से लड़ने के लिए और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। चलिए मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अब सो फ्रेंड्स, कोई भी फेस पैक अप्लाई करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आप अपने बालों को ट्राई कर लें, क्योंकि वो फिर उसमें बीच में आएंगे तो हो सकता है कि उस पर भी बेसन और जो हल्दी का फेस पैक है वो लग जाए। तो ऐसा नहीं करना है, उसको अवॉइड करने के लिए आप सबसे पहले अपने बालों को ट्राई कर लीजिए। मैंने एक बन बना लिया है और यहाँ पे हमारा फेस पैक रेडी है। एंड मेक श्योर कर लेना है कि आपका फेस एकदम क्लीन हो, आपके फेस पर कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो मैंने मॉर्निंग में फेस वॉश किया था, बट फिर भी यहाँ पर मैं रोज़ वाटर की हेल्प से और एक कॉटन की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। अगर आप नेक पे लगा रहे हैं तो नेक भी आप क्लीन कर लीजिएगा। फेस एकदम क्लीन होना चाहिए कोई भी पैक लगाने से पहले। सो, मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है अपना फेस। स्किन टोन भी हो गई है, आप सबको पता होगा, मोस्टली लोगों को पता होगा कि जो रोज़ वाटर है वो हेल्प करता है टोनिंग करने के लिए हमारी स्किन। तो मेरी स्किन टोन भी हो गई है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको ड्राई कर लूँगी। देन हम अप्लाई करते हैं अपना फेस पैक। सो यहाँ पे मैं फेस पैक अप्लाई करने के लिए कोई भी ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल अपने हाथों से ही अपने फेस पैक को अप्लाई करूँगी।
सो मैंने फेस पे और अपने नेक पे लगा लिया है। नेक को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फेस पे कोई भी मेकअप करते हैं तो वो नेक और फेस का कलर अलग जाता है, इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने नेक पे भी लगाएं। मेरा थोड़ा सा पैक बच गया है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको अपने हैंड्स पे लगा लूँगी प्रॉपर, और उसको सूखने के बाद, पूरा फेस पैक सूखने के बाद आपसे मिलती हूँ मैं 15 मिनट्स के बाद। आपको इसको जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है तब तक इसको आपको टच नहीं करना है, और कीप काम कीप रिलैक्सिंग। आप चाहते हैं तो आप खीरे के स्लाइसेस भी अपनी आँख पे रख सकते हैं, उससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे फेस पैक को ड्राई करने के बाद आफ्टर 15 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, अभी कंप्लीट हो गए हैं 15 मिनट्स, तो चलिए अब हम इसको सर्कुलर मोशन से रब करते हुए इसको इजीली फॉल आउट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप अपने इसको वॉशरूम में ही करिएगा, मुझे क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना था, बट आप इसे अपने वॉशरूम में ही करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो मैंने यहाँ टॉवल बिछा रखा है अपने पास। काफ़ी अच्छा होता है बेसन और हल्दी का पैक, आपके फेशियल हेयर को भी रिमूव करता है। तो जो फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है डाउनवर्ड्स होती है, तो आप इसको अपसाइड करके ऐसे रिमूव कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें मिल्क ऐड किया था तो बिल्कुल भी हार्श नहीं है ये, मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा, इजीली फॉल आउट हो रहा है। तो पूरा इस तरह से करके आप इसको हटा लीजिए एंड देन अपना फेस वॉश कर लीजिएगा विद सिंपल क्लीन एंड कोल्ड वाटर के साथ। तो मैं अपना फेस वॉश करके आपको मिलती हूँ प्रॉपर। मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, फेस कर लिया है अपना, फेस वॉश कर लिया है विद क्लीन वाटर और इसको ड्राई कर लिया है, और आप देख सकते हैं इंस्टेंट ग्लो ऑन माय फेस, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है मेरी स्किन, और जितना भी ब्लैकिश जो भी था वो सब कुछ रिमूव हो गया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसके फेशियल हेयर्स भी जो मेरे थे, थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े बहुत जो थे वो भी रिमूव हो गए हैं, और बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे अपनी स्किन। एंड कोई भी मेकअप नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है ये, इंस्टेंट ग्लो आपको देगा आप अगर इसको यूज़ करेंगे पैक को। और मैं वैसे लाइव आती थी तो मुझे इंस्टा पे भी लाइव पे भी काफ़ी सारे रिक्वेस्ट थी कि आप अपने फेस पे क्या यूज़ करते हो कि आपका फेस इतना ब्यूटीफुल और ग्लोइंग है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप सबके लिए। और इस होम रेमेडी को बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि बॉयज़ के लिए भी कुछ वीडियो बनाओ, तो आपके लिए भी है ये वीडियो, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अपने हार्मफुल केमिकल्स जितने भी होते हैं उससे अपनी स्किन को बचाइए, क्योंकि स्किन का ध्यान उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपना बॉडी का ध्यान रखते हैं। तो बॉडी में खाना जाता है बॉडी को एनर्जी देने के लिए, तो वैसे ही हमारी स्किन को भी थोड़े बहुत नरिशमेंट की और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, जो हम उसे होम रेमेडीज़ के द्वारा पूरा कर सकते हैं। अच्छी और ग्लोइंग स्किन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर आपको अच्छी और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आखिर आपको इतना अच्छा लुक चांद सा चेहरा मिलने वाला है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो बनती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपकी किचन में ही ये सारा सामान अवेलेबल है, इससे आप अपना होममेड फेस पैक बनाइए और इसको अपने फेस पे लगाइए, और रिज़ल्ट आपको मैंने लाइव करके दिखाया है, लाइव मेरे फेस पे है, मैंने आपको डेमो दिया है इसका, तो इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है, सूटेबल है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, मैन वुमेन दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, आप वीक में इसको 2 बार ट्राई कर सकते हैं। जनरली मैं अपने फेस पे कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बेसन से ही अपना जो है फेस क्लीन करती हूँ मॉर्निंग में उठ के, जब भी मैं अपना फेस वॉश करती हूँ फेस वॉश की जगह मैं बेसन यूज़ करती हूँ, उससे मेरी स्किन काफ़ी ग्लोइंग रहती है। और इसमें मैंने टर्मरिक ऐड किया है जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, टर्मरिक आप खाने में भी खाते हैं, खाने में यूज़ होता है, और बहुत अच्छा है टर्मरिक, एंटी बैक्टीरियल इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे आपकी स्किन पे कोई भी पिंपल्स या फिर एक्ने ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और मैंने मिल्क ऐड किया था इसमें, मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, तो मिल्क में लैक्टिक एसिड होने की वजह से वो आपको नेचुरल माइल्ड ब्लीच का काम करता है आपके फेस पे,
और उसमें मैंने मिल्क ऐड करा था उसमें मॉइस्चर बनाने के लिए, ताकि जब आप अपना फेस वॉश करेंगे, जब आप अपना फेस पैक हटाएंगे तो आपको ज़्यादा पेन ना हो। अगर वो ड्राई होता तो आपको पेन करता, बट उसमें मिल्क था तो वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था और इजीली रिमूव हो गया। और मिल्क आपके फेस पे एक सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है, तो ब्राइटर भी करता है आपके फेस को। बहुत अच्छा फेस पैक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मेरा ब्राइटन फेस? तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो इसी के साथ मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।